चलो तो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं। हम लास्ट लेक्चर में क्या कर रहे थे, हमने सैटेलाइट सर्वेइंग का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक कवर अप किया था, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। मतलब जब आप सैटेलाइट सर्वेइंग परफॉर्म करते हो प्रैक्टिकली ऑन फील्ड, तो अगर आपने हॉरिजॉन्टल एंगल पढ़ना है, अगर आपने दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं, दो मेन सर्विस स्टेशन भी हो सकते हैं, सब्सिडरी सर्विस स्टेशन भी हो सकते हैं, कोई भी दो परमानेंट फीचर्स हो सकते हैं ग्राउंड के, अगर आपने उनके बीच में हॉरिजॉन्टल एंगल रीड करना है, तो उसके लिए हमने डिफरेंट मेथड स्टडी करे थे। हमने तीन तरह के मेथड्स, हमने बाई जो हमने शुरू किया था मेथड, तो हमने तीन तरह के मेथड पढ़े थे। पहला मेथड जो हमने पढ़ा था वो था ऑर्डिनरी मेथड। मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है ना? तुरंत रिप्लाई किया करो, आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर, आ रही है। या सर आ रही है? हाँ जी, बोला करो ताकि मुझे पता तो रहे। तो सब सो स्टूडेंट्स, हमने जो मेथड स्टडी करे थे, सबसे पहला मेथड जो हमने पढ़ा था वो कौन सा मेथड था, वो था ऑर्डिनरी मेथड। ऑर्डिनरी मेथड स्टूडेंट देखो, उन सर्वेइंग वर्क्स के लिए यूज किया जाता है जो कि बहुत एक्यूरेट नहीं होते। जैसे सपोज कर लो, ये आपका ऑर्डिनरी मेथड, मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको ये, ताकि आपको थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। ऑर्डिनरी मेथड में स्टूडेंट देखो, जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर एक सपोज कर लो, एक पॉइंट है ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट। तो हमने एंगल रीड करना है एंगल बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। हमने हमारा सैटेलाइट कहाँ पे खड़ा हुआ, कहाँ पे हमने सैटेलाइट को सेट किया हुआ है, यहाँ पर हमारा जो सा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, मतलब हमने सैटेलाइट की सेंटरिंग लेवलिंग फोकसिंग इस स्टेशन से करी हुई है। तो हमने एंगल रीड करना है एंगल ए ओ बी। तो हमने ए ओ बी एंगल रीड करना है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी मेथड। ऑर्डिनरी मेथड में सिंपल यही था, क्या करते हैं हम, आज सबसे पहले उसकी सारी टेम्परेचर एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, ओ पॉइंट के ऊपर खड़े कर लेंगे स्टेशन को, हम ओ पॉइंट के ऊपर सेट कर लेंगे, टेम्परेचर एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, उसकी लेवलिंग कर लेंगे, सेंटरिंग कर लेंगे, फोकसिंग कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका वर्नियर ए और वर्नियर बी जो आंसर है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री बनाएंगे, और एक फेस से शुरू कर लेंगे। पहले हम फेस लेफ्ट ले लेंगे, फेस लेफ्ट लेके ए के ऊपर हमारा वर्नियर ए 0 डिग्री पे है और वर्नियर बी जो आंसर 180 डिग्री पे है। फिर हम क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे, उसके टेलीस्कोप को रोटेट इस तरीके से करेंगे कि अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज कर देना। डिटेल में स्क्रू मूवमेंट कैसे करनी है, ये सारी डिटेल में आपको मैं बता चुका हूँ, अभी मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ कि इसमें हम करते क्या है। तो उसके अंदर सारी आपने स्क्रू मूवमेंट के थ्रू क्या करना है, अपर क्लैंपिंग स्क्रू बेसिकली लूज होता है, तो अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज करके हॉरिजॉन्टल एंगल रीड करने के लिए हमने ए को, पहले जब हम ए पे थे तो हमारा 0 डिग्री वर्नियर ए पे था और 180 डिग्री जो था वर्नियर बी पे था। तो हमने क्या करना है, रोटेट करना है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा जो सा बी पॉइंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने जब बी के ऊपर आ गए तो बी को प्रॉपरली बाइसेक्ट कर लेना, बी को प्रॉपरली बाइसेक्ट कर लिया तो अपना जो सा अपर क्लैंपिंग स्क्रू उसको टाइट कर देते हैं, लोअर अपर क्लैंपिंग स्क्रू जब टाइट कर देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उसकी रीडिंग पढ़ेंगे। रीडिंग कैसे पढ़ेंगे, वर्नियर ए और बी के ऊपर जितनी रीडिंग आएगी वो आपकी रीडिंग रहेगी। अब अगर आपका कोई, क्या कहते हैं, कोई आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, तो वर्नियर ए और वर्नियर बी के बीच में ज्यादातर जो रीडिंग का डिफरेंस होता है वो हमेशा 180 डिग्री ही होता है, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, या अगर आपने कोई उसका, क्या कहते हैं, अब जैसे हम क्लैंपिंग करते हैं, जब हम फ्रीक्वेंट क्लैंपिंग करते हैं ऑर्डिनरी मेथड में तो इतनी क्लैंपिंग नहीं करते, अगर हम बहुत ज्यादा क्लैंपिंग करते हैं तो क्लैंपिंग एरर भी आ जाते हैं, कभी कभी इसेंट्रिसिटी एरर भी आ जाते हैं, वो इतनी डिटेल में, वो इतनी इतनी चीजें आपको ऑर्डिनरी मेथड में नहीं आएंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम उसका टेबल बना लेते हैं। टेबल इसका सिंपलेस्ट टेबल है, सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर, देख रही है। तो इसका सिंपलेस्ट टेबल था ये, जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूँ जल्दी जल्दी, जो हम नेक्स्ट टॉपिक अब हम वो शुरू करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जैसे ओ था तो ये ऑब्जेक्ट ए था, बी था एंगल ए ओ बी था, हमने फेस लेफ्ट ले लिया, जब ए पे था तो 0 डिग्री था वर्नियर ए, जब वर्नियर ए 0 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली वर्नियर बी जो है, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है तो वर्नियर बी जो है 180 डिग्री ही शो करेगा। जब हमने मूवमेंट कर दी, हम ए, जैसे ये सपोज कर लो ये ए पॉइंट था, ए पॉइंट के बाद हमने जब टेलीस्कोप की मूवमेंट कर दी टुवर्ड्स बी, बी पॉइंट पे मूवमेंट कर दी, तो उसकी रीडिंग जो है हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर वो चेंज हो गई। तो कितनी रीडिंग पड़ी गई उसके बाद, चेंज होने के बाद वो रीडिंग पड़ी गई वर्नियर ए के ऊपर कितनी पड़ी गई, 60 डिग्री 20 मिनट 20 सेकंड। उसने अज्यूम कर लिया, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन टेबल है, अगर जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो आप अपनी रीडिंग्स लिखते हो। तो सपोज कर लो से एक वो रीडिंग क्या थी, 60 डिग्री 20 मिनट 20 सेकंड, और उस समय वर्नियर बी पे कितनी रीडिंग आई, देखो हमने वर्नियर ए की रीडिंग में 180 जोड़ के वर्नियर बी की रीडिंग नहीं बनानी, जितनी वर्नियर बी पे रीडिंग पढ़ रहे हो एक्चुअल वही रीडिंग पढ़नी है, कोई मैनिपुलेशन कुछ नहीं करनी। तो वर्नियर बी की रीडिंग आ जाएगी। इसी तरीके से पहले हमने फेस लेफ्ट से करा ये सारा काम, फिर हमने दोबारा फेस राइट से करा, फेस राइट से जब हमने सारा काम करा
फिर वर्नियर जब हम ए पे थे, ए पे जो था एंगल जो था 0 डिग्री था 180 डिग्री, तो यहाँ पे वर्नियर ए पे 0 डिग्री है तो वर्नियर बी पे 180 डिग्री है। तो उसके बाद जब हम टूवर्ड्स बी मूव कर गए व्हेन फेस इज राइट, तो फिर एंगल कितना आया यहाँ पे, उतना ही बराबर एंगल जितना भी आ रहा होगा 60 डिग्री 20 मिनट 20 सेकंड आ गया, या 240 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड आ गया। तो अब हमने वर्नियर ए और वर्नियर बी पे एंगल निकालना। अब जैसे ये 60 डिग्री जब हमारा फेस लेफ्ट था उसकी रीडिंग पहले बना लो, जैसे वर्नियर ए पे फाइनल रीडिंग आई 60 20 20, इनिशियल रीडिंग थी 0 0 0, दोनों को माइनस कर लो वर्नियर ए पे रीडिंग एंगल आ जाएगा 60 20 20। अगर वर्नियर बी की रीडिंग चेक करनी है तो ये वर्नियर बी पे फाइनल रीडिंग कितनी थी व्हेन फेस इज लेफ्ट, तो 240 20 40, इसमें से इनिशियल रीडिंग कितनी थी 180 डिग्री, दोनों को माइनस कर लो, ये माइनस करके जो डिफरेंस है बनता है 60 डिग्री 20 मिनट्स 40 सेकंड। ऐसे ही अगर हम बाय फेस राइट की बात करें तो जब हमारा बी पे था तो कितना एंगल आया, रीड करा वर्नियर ए के ऊपर 60 डिग्री 20 मिनट्स 20 सेकंड, इनिशियल कितना था 0 0 0, दोनों को माइनस कर दो कितना आंसर आया 60 डिग्री 20 मिनट्स 20 सेकंड। ऐसे ही जब उसको हमने वर्नियर बी पे रीड करा, वर्नियर बी पे इनिशियली जब हम ए पे खड़े थे तो कितना रीडिंग आ रही थी वो तो पता ही, अंडरस्टूड है 180 डिग्री ही रहेगी अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं। तो उसके बाद जब हमने उसकी मूवमेंट करा दी टुवर्ड्स बी, तो क्या एंगल बना वर्नियर बी के ऊपर, जो एक्चुअल एंगल बना उसी को लिखना है, वो आ गया 204 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड, दोनों को माइनस कर दो ये बन गया 60 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड। अब ये आ गया एंगल वर्नियर के ऊपर व्हेन फेस इज लेफ्ट एंड फेस इज राइट, मीन एंगल कर लो वर्नियर ए और वर्नियर बी का, मीन कर लो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लो, फेस लेफ्ट का मीन एंगल ये बन गया, इन दोनों को नीचे वाले को दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लो, मीन एंगल बोलते हैं एवरेज एंगल बोलते हैं उसको, एवरेज ये बन जाएगा। अब इन दोनों का एवरेज कर लो, इन दोनों का एवरेज करके आ गया 60 20 30, तो जो हमारा एंगल बना एक्चुअली बाय ऑर्डिनरी मेथड बिटवीन ए एंड बी दैट इज एंगल ए ओ बी, वो कितना बना 60 डिग्री 20 मिनट 30 सेकंड्स, मतलब ये वाला एंगल कितना बना एंगल ए ओ बी, ये बना 60 डिग्री 20 मिनट 30 सेकंड्स। तो इसको हम रिमार्क्स में लिख देंगे जो भी हमने सैटेलाइट यूज करा, वर्नियर ट्रांजिट सैटेलाइट यूज करा गया जिसका लीस्ट काउंट 20 सेकंड, ठीक है। ये मैंने आपको रिकॉल कराया ताकि आपको अगला फर्दर समझ आ जाए, ये हम कर चुके हैं डिटेल में सारा। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट मेथड पढ़ा था उसका भी जस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट्स, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वैसे भी आपको प्रैक्टिकली यही मेथड जरूर आना चाहिए, अगर आपको दूसरा मेथड कोई नहीं अगर आपको प्रॉपरली पता लग रहा है, वैसे तो सारे ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है पर ये मेथड जो है ये आपको हमेशा आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये मेथड होता है रेपिटेशन मेथड, ये मेथड कहाँ यूज होता है, मेरी आवाज आ रही है सबको, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी सर आ रही है, ठीक ठीक। मैं जल्दी से हरमनदीप ये हरमनदीप को मैं कर रहा हूँ रिमूव, चलो जी। हाँ जी सर, ये हरमनदीप को रिमूव कर दिया मैंने। उसके बाद आप देखो, अब मेरी आवाज आ रही है सबको, क्लियर आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। तो हम जस्ट जल्दी जल्दी कर लेंगे, रेपिटेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये किस लिए होता है ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, वैसे जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ कि जो सा ये एक्यूरेट सर्विंग वर्क्स के लिए होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसे एक ही एंगल को जो है रिपीटेडली पढ़ते हैं, एक ही एंगल को हम इसके अंदर 6 सेट बनाते हैं रीडिंग के, 3 सेट बनाते हैं फेस लेफ्ट से, 3 सेट बनाते हैं फेस राइट से, एक ही एंगल को मल्टीपल टाइम जो आंसर उसको बार बार रीड करते हैं, रेपिटेशन तभी बोलते हैं इसको, रिपीटेडली उसको हम रीड करते हैं वर्नियर्स के ऊपर अपने सैटेलाइट के ऊपर। तो उसके बाद जितनी बार रिपीट करते हैं उतनी ही बारी उसको मीन कर लेते हैं। तो ये मेथड जो आंसर होता है जितनी बार आप उसको मीन करी जाओगे और उससे क्या होता है एक्यूरेसी बढ़ती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप करते ही जाओ रिपीट, क्योंकि जितना आप रिपीट करोगे उतनी आप क्लैंपिंग करोगे, उतनी जितनी क्लैंपिंग करोगे अगर बहुत ज्यादा क्लैंपिंग करोगे तो ह्यूमन एरर का चांस होता है, क्लैंपिंग एरर का चांस होता है, आपकी प्लेट की सेंट्रिसिटी भी हिल सकती है। तो इसलिए इसके लिए हम 6 सेट बनाते हैं, 3 बनाते हैं विद फेस लेफ्ट, 3 बनाते हैं विद फेस राइट। इसके अंदर भी वही चीज है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सपोज कर लो अगर आप इंस्ट्रूमेंट स्टेशन आपका ओ है, आपने एक एंगल पढ़ना है बिटवीन द ए एंड बी, आप क्या करोगे, ए के ऊपर रेंजिंग रॉड लगाओगे, बी के ऊपर रेंजिंग रॉड लगाओगे, ओ के ऊपर आपका इंस्ट्रूमेंट सेट कर लोगे, लेवलिंग सेंटरिंग फोकसिंग सारी कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, वर्नियर ए बी 0 0 करोगे, 0 180, वर्नियर ए को 0 करोगे, वर्नियर बी ऑटोमेटिकली 180 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ए को बाइसेक्ट करोगे, ए को इस तरीके से बाइसेक्ट करके, ए को बाइसेक्ट करने के बाद उसके नाम से आपने लोअर क्लैंपिंग स्क्रू टाइट कर देना, उसका टेंजेंशियल स्क्रू भी टाइट कर देना। तो उसके बाद अब क्या होगा, जब आप ए पे खड़े हो तो आपकी रीडिंग जो है 0 डिग्री है वर्नियर ए के ऊपर और 180 डिग्री है वर्नियर बी के ऊपर। फिर अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक बात हमेशा याद रखना है, जब भी आपने रीडिंग चेंज होनी है, जब आप चाहते हो कि रीडिंग चेंज हो, क्योंकि आपने रीडिंग पढ़नी है, एंगल पढ़ना है, तो रीडिंग चेंज होनी चाहिए।
रीडिंग चेंज कब होती है? जब आपका अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज होता है, जब आपका अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज होता है। तो आप क्या करोगे, अपर क्लैंपिंग स्क्रू को लूज करोगे। जब अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज है तो लोअर क्लैंपिंग टाइट रहेगा, एक टाइम पे एक स्क्रू वर्क करता है। तो अब अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज करो, लोअर क्लैंपिंग टाइट करो, इसको रोटेट करो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने क्या